और किसान जल्दबाजी में गेहूँ निकाला, तूड़ा फिर बिक जाता था। अब एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, तूड़ा और गेहूँ रिपर की तरह ट्रॉली के अंदर पैक। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलावत आया हूँ या कबूलपुर गांव में। मशीन है पुण्य की, बैक टू बैक बोली जाती है, इसका नाम है बैक टू बैक। इसमें तीन काम साथ में होंगे, जैसे आगे ट्रैक्टर हो गया, इसमें कटाई के साथ साथ कटाई होने के बाद गेहूँ की निकलवाई होगी, मूंगफली और धान को छोड़ के हर फसल को निकालेगी कटाई के बाद, और तूड़ा साथ चलेगा इसमें। ये नहीं कि हमने आज गेहूँ निकाल लिए, तूड़ा खेत में रह गया। जैसे आज मौसम खराब है और इसके ऊपर टंकी, यहाँ देखोगे ऊपर आप, ये टंकी अनाज की और ये एलिवेटर है, ये कंबाइन की तरह है, ये समझो कि आधी कंबाइन है ये कटे हुए अनाज के लिए। और ये कंपनी के जो बंदे आए हैं आज ही लेकर आए हम फिटिंग के लिए, अब ये करने लग रहे हैं और आज हम इसका ट्रायल लेंगे, आज चलाएंगे इसको। कितने रुपए की मशीन आई है ये? 8.5 लाख की। 8.5 लाख की, मतलब ये पहले कटाई करनी पड़ेगी होंगी, तभी कामयाब है। पहले कटाई करेंगे और फिर कटाई करने के बाद अब इसका काम शुरू हो जाता है। कटाई करने के बाद आगे वो ट्रैक्टर है, जैसे उसकी पीटीओ है दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ से पीटीओ करके और ये उठा उठा के इसमें डालते रहो और ये चलती रहेगी पूरे किले में। लान को इकट्ठा भी नहीं करना हमने, जैसे अभी बूंद है, ये मौसम खराब है, ऐसे में क्या होता था अगर अनाज इकट्ठा कर दिया किसान ने और बूंद हो जाती थी तो फिर उसको दोबारा पड़ना पड़ता था सुखाने के लिए, मगर अब ऐसा नहीं। खुले अनाज अगर मौसम की प्राकृतिक कोई मार होती है तो 2-4 दिन फिर छोड़ दो, उसके बाद वो अलग अलग पड़ी हुई साथरियों में सरसों है गेहूँ है दोबारा सूख जाता है। जैसे कंबाइन में कटाई होती थी, कंबाइन में कटाई होने के बाद जो लान रह जाता था उसका दोबारा मतलब तूड़ा बनाने के लिए अलग मशीन आती थी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कटाई के बाद ये जैसे थ्रेसर है, जैसे अपने थ्रेसर चलते थे, मगर थ्रेसर का तूड़ा और गेहूँ नीचे डलता था, इसका दोनों का ट्रेली में पैक है, रिपर की तरह पीछे ट्रॉली अटैच हो जाएगी और आगे इसके ऊपर टैंक में मैंने जो बताया वहाँ पे अनाज पैक हो जाएगा। हमारे साथ एक किसान भाई है, ये करते हैं इनसे बातचीत मशीन के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका भी और सभी सुनने वालों का भी। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र जी, हमारा खासियत इसकी, अब ये किसान लोग इसे लेके आने लगे हैं, नई मशीन आई है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो जी, आज ये हमारे गांव में ये मशीन आई है, इसका काम देखेंगे, गेहूँ सरसों निकलवा करके देखेंगे, जैसा भी इसका काम होगा अगर अच्छा होगा तो इसकी और भी बहुत काफ़ी डिमांड हो जाएगी, काफ़ी डिमांड हो जाएगी। हाँ, ये गेहूँ गेहूँ में कामयाब है क्या, सरसों में, चना में? ये हर चीज़ में कामयाब है जी, धान और मूंगफली को छोड़ करके सभी चीज़ों में बहुत ही कम कारगर मशीन बताई है। धान और मूंगफली को छोड़ के सब में कामयाब है। इसकी एक ही मतलब वह है कमी की कटाई अपने हाथ से करनी पड़ती है, बाद में इसका काम सारा शुरू हो जाता है। बहुत ही बढ़िया जो सराहनीय काम बताया गया है इसका। एक किले का क्या रेट लेंगे? एक किले का तो रेट भाव खुलने पे होगा जी, अभी फिक्स नहीं हुआ है, अभी आज ही लेके आए हैं तो इसका कन्फर्म नहीं हुआ कि क्या रेट चलेगा। हाँ जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ आज कबूलपुर में एक ग्रामीण थे किसान, जिन्होंने इस मशीन के को लेके आए हैं और बताया कि इस मशीन की खासियतों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कबूल पर्व के देवीलाल जी इस मशीन को लेके आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मशीन का काम कटाई के बाद शुरू हो जाता है, जो जिस प्रकार कंबाइन से कटाई होने के बाद जो थ्रेसर का काम होता था वो सारा काम ये करने वाली है, उसको पुड़ियों को इकट्ठा भी नहीं करना पड़ेगा, इसका काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इतना कीमती समय दिया, इसके लिए सभी ग्रामीणों का धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।